हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड को डेली चैलेंज आज हम डिस्कस करेंगे मिनिमम इंक्रीमेंट टू मेक एर यूनिक कंपनी टैक्स की बात करें तो इट हैज बीन आस इन टिक टॉक एंड कोर्स एरा ओके सो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एर ए नम्स इन वन मूव यू कैन पिक एंड इंडेक्स आई वेर आईज इन द रेंज जीरो से लेके नम्स लेंथ एंड इंक्रीमेंट नम्स ऑफ फाइव बाई वन ओके return the minimum number of moves to make every value in nums unique the test cases are generated so that answer fits in a 32 bit integer okay देन यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो आपकी जो नम्स की लेंथ है वो वन से लेके कर टेन पावर फाइव तक जाएगी और जो नम्स ऑफ आई है वो जीरो से लेके कर टेन पावर फाइव तक जाएगी ओके सो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक नम्स एरे दिया जाएगा आपको इस एरे को कम्प्लीटली यूनिक बनाना है जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट्स हैं दो टू प्रेजेंट है दो वन प्रेजेंट है बट आपको क्या करना है इस एरे को कम्प्लीटली यूनिक बनाना है सारे डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देना है और रिमूव आप कैसे कर सकते हो मूव करके अब मूव की डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है कि आप कोई भी एलिमेंट पकड़ो और उसे एलिमेंट प्लस वन कर सकते हो ठीक है अब ये आप कितनी भी बार कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो बार वन है ठीक है तो मैं वन को एक बार इंक्रीमेंट कर दूंगा वो टू बन जाएगा अब मैंने देखा यार मेरे पास दो बार टू भी हो गया मतलब तीन बार हो गया है तो मैं इस टू को एक और बार इंक्रीमेंट करूंगा मैं देखूंगा अरे यार अब तो ये थ्री हो गया ठीक है अब थ्री से डुप्लीकेट हो गया तो मैं इसे एक और बार इंक्रीमेंट uh, करूंगा भी फोर हो जाएगा फोर नहीं है तो वन से हमने फोर बनाया कितने मूव्स लगाए वन से हम पहले टू पे गए टू से हम थ्री पे गए थ्री से हम फोर पे गए वन टू एंड थ्री मूव ठीक है या इसे दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू या डिफरेंस तो तीन आपने मूव लगाए यहाँ पे ठीक है वन को फोर में कन्वर्ट करने के लिए अब ऐसे ही आप देखो आपने इस वन को तो फोर में कर दिया बट स्टिल यहाँ डुप्लीकेट्स हैं अब एक टू है और एक और टू है तो इसे कैसे चेंज करा जाए तो अगेन एक मूव में हम टू को थ्री बना सकते हैं बट अगेन हमारे पास दो थ्री हो गए तो इस थ्री को फिर से हम क्या कर सकते हैं फोर बना सकते हैं अब हमारे पास दो फोर हो गए तो चलो इसे फाइव बना देते हैं हाँ फाइव यहाँ पे नहीं है तो टू से फाइव के लिए अगेन आपने क्या किया टू टू फाइव अगेन आपने क्या किया थ्री मूव किया ठीक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो थ्री प्लस थ्री अभी तक आपने सिक्स मूव कर दिए अब क्या सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं थ्री फाइव फोर टू वन सेवन या ऑल आर यूनिक तो हमारा आंसर क्या आया सिक्स आया ठीक है सो ये हमारा क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ़ मूव्स में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ठीक है तो हमारा मिनिमम मूव क्या गया? आ गया सिक्स आ गया ओके सो ये प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते समय मैंने आपको जो अप्रोच बताई वो हमें मिनिमम आंसर हमेशा देगी बट ऐसा क्यों है इस चीज़ को भी समझो आप कोई भी एलिमेंट को पकड़ते हो ठीक है उसको इंक्रीमेंट कर रहे हो ठीक है लीनियरली इंक्रीमेंट कर रहे हो थीके? आप वन को पहले टू बना रहे हो फिर टू को आप थ्री बना रहे हो फिर थ्री को आप फोर बना रहे हो तो जो डिफरेंस है वो आप एज़ मिनिमम एज पॉसिबल रख रहे हो मतलब वन से आप मिनिमम मूव क्या ले सकते थे टू बना सकते थे अब टू प्रेजेंट है तो इससे आप मिनिमम मूव क्या ले सकते थे थ्री बना सकते थे अब थ्री प्रेजेंट है तो इससे मिनिमम मूव आप क्या ले सकते थे फोर बना सकते थे करेक्ट तो आइडिया बड़ा सिंपल है कि आप एलिमेंट को पकड़ो और उसे इंक्रीमेंट करो बट अब क्वेश्चन आता है कि इसे इंप्लीमेंट कैसे करा जाए इसे कोड कैसे करा जाए सेम चीज़ आप काउंट एरे से, से भी कर सकते हो या काउंट शॉर्ट की टेक्निक से भी कर सकते हो ओके सो लेट्स से मैंने एक ये नंबर लाइन आपके लिए क्रिएट कर दी है ब्लू कलर से जो लिखा है वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो ग्रीन से लिखा है वो एलिमेंट प्रेजेंट है और जितनी बार लिखा है उतनी उसकी काउंट है जैसे यहाँ पे दो बार मेरे पास वन था मैंने दो बार वन लिख दिया है ठीक है तो अब मैं आपको खाली अपना इंट्यूशन समझाता हूँ उसके बाद हम देखेंगे कि इसे प्रॉपर ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में काउंट शॉट इसमें कैसे वर्क कर रही है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ठीक है अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो वी कैन से आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यहाँ आप देखो मेरे पास दो वन है तो मैं क्या करूँगा एक वन को उठाऊँगा और आगे भेज दूँगा तो मैंने यहाँ कितने मूव करे एक एलिमेंट को आगे भेजा तो आई कैन से मूव इज इक्वल टू वन टाइम क्यों क्योंकि आपने वन को टू में कन्वर्ट कर दिया आप जस्ट नेक्स्ट में भेज रहे हो तो हर बार मूव वन से इंक्रीमेंट होगा ठीक है नाउ लेट्स चेक दी नेक्स्ट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट मेरे पास तीन बार हो गया कितनी बार एक्स्ट्रा है दो बार एक्स्ट्रा है तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को आगे भेजूंगा इस बार ठीक है अब मैंने कितने एलिमेंट्स को आगे भेजा दो एलिमेंट को तो आई कैन से दो बार कैसे टू को आपने थ्री किया वन मूव टू को आपने थ्री किया वन मूव तो जितने एलिमेंट्स हैं उनको आपने उतनी बार आगे भेजा ये पता नहीं बलून बर्स्ट हो रहे हैं रुक जाओ, <laughs> ओके नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे मेरे पास कितने एक्स्ट्रा थ्री हैं दो एक्स्ट्रा थ्री है तो मैं क्या करूँगा फिर से सेम लॉजिक मैं इन दोनों थ्री को आगे भेज दूँगा यहाँ आ गया फोर यहाँ आ गया फोर कितने मूव हुए फिर से दो मूव हो गए नाउ यहाँ मेरे पास कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट है आप देखो नीले रंग से लिखा है आपके पास एक भी फ़ोर नहीं था तो एक फ़ोर आप रख लोगे एक ही आपके पास एक्स्ट्रा बचा तो इस फोर को हम आगे शिफ्ट कर देंगे ये फोर आगे आपके फाइव की जगह पे कितने मूव हुए वन मूव ठीक है नाउ लेट्स सी हियर क्या यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं फाइव आपकी वेकेंट प्लेस थी और यहीं पे आपने फाइव रख दिया तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है आगे चलते हैं सिक्स यहाँ पे तो एलिमेंट ही नहीं है आगे चलते हैं सेवन यहाँ सिंगल एलिमेंट है तो नाउ वी कैन से खत्म हमने जितने एज में से सारे आइट्रेट कर लिए और हमारा आंसर क्या आया टू प्लस टू इज फोर प्लस टू इज सिक्स तो सिक्स मूव में वी हैव इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन ठीक है सो ये था मेरा इंटायर लॉजिक नाउ यहाँ पे कुछ एच केसेस आपके फंस सकते हैं लेट्स से आपके पास दो सेवन होते हैं यहाँ पे ठीक है ठीक है तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास दो सेवन थे अब आप जब इस पॉइंट पे आते आप कहते हैं यार फ्रीक्वेंसी है टू इस सेवन को आगे भेजते हैं बट आगे कहाँ भेजें हमने तो हमारी नंबर लाइन में मैक्सिमम एलिमेंट तक ले लिया था ठीक है तो यही प्रॉब्लम है इस अप्रोच में आपको बस यही सारे के सारे सेवन होते हैं ओके अगर मेरे पास सारे सेवन होते तो मैं क्या करता एक को पकड़ के एट बना देता एक को पकड़ के नाइन एक को टेन एक को इलेवन एक को ट्वेल्व तो एटलीस्ट मैं जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा मेरे पास ट्वेल्व एलिमेंट्स की प्लेसेस होनी चाहिए थी एटलीस्ट ये लॉजिक परफॉर्म करने के लिए सो व्हाट आई कैन से इज कि मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट प्लस साइज ऑफ द एरे साइज क्या है सिक्स है यहाँ पे तो सेवन प्लस थर्टीन अगर आप थर्टीन साइज का एरे बनाओगे तो आप ये वर्स केस हैंडल कर सकते हो जिसमें आप ट्वेल्थ इंडेक्स तक स्टोर कर पाओ एलिमेंट को ठीक है तो ये हमें हैंडल करना पड़ेगा चलो एक्चुअल ड्राई रन करते हैं मैं यहाँ पे काउंट एरे बना लेता हूँ ओके लेट्स स्टार्ट ये रहा मेरा नमस्कार है अब मैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालूंगा यहाँ पे आया थ्री आप थ्री पे जाओ एंड डू अ प्लस वन यहाँ पे आया टू आप टू पे जाओ एंड डू अ प्लस वन यहाँ पे आया वन आप वन पे जाओ एंड डू अ प्लस वन यहाँ पे आया टू आप टू पे डू अ प्लस वन यहाँ आया वन अगेन प्लस वन यहाँ आया सेवन अगेन प्लस वन तो मैंने हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली लेट मी राइट इट प्रॉपरली ओके सो मैंने ये अपना काउंट एर फिल कर लिया कौन सा एलिमेंट कितनी टाइम प्रेजेंट है मुझे पता लग गया नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ठीक है अगर किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू वन है तो वी कैन ईजिली स्किप इट उसके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है देने के लिए तो यहाँ क्या है जीरो है स्किप कर दो यहाँ पे क्या है टू है कितने एक्स्ट्रा है एक एलिमेंट ठीक है तो आई कैन से मूव्स में मैं क्या करूंगा करंट वैल्यू माइनस वन करंट वैल्यू इज टू टू माइनस वन इज वन वन मेरे पास एक्स्ट्रा है उतना मैंने ऐड कर लिया तो आप क्या करो आप इसे प्रॉपरली अलाइन करने के लिए माइनस वन कर दो ऑल दो अब इस लॉजिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वैल्यू को अब आप चेंज करो ना करो एक ही बात है ये आपके आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ेगा बट जस्ट टू सिंक द प्रोसेस मैं इसे माइनस वन कर दे रहा हूँ ठीक है जस्ट टू शो यू कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं तो हमारे पास कितने एक्स्ट्रास थे एक, एक एक्स्ट्रा था तो वी कैन से ये थ्री हो जाएगा ठीक है सो नाउ लेट्स मूव हियर अब इसके पास कितने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं थ्री माइनस वन दैट इज टू मेरे पास दो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस टू करके इसे वन कर दूंगा वन प्लस टू इज थ्री ठीक है एंड इसमें भी हम टू ऐड कर देंगे तो वन प्लस टू इज थ्री ना आपने दो एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट चेक करते हैं अगली वैल्यू क्या ये लेस देन इक्वल टू वन है बिल्कुल नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे कितने हैं थ्री माइनस वन इज टू दो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं तो हम क्या करेंगे उन दोनों को यहाँ ऐड कर देंगे उन दोनों को नेक्स्ट पे भेज देंगे उन दोनों को यहाँ से सब कर देंगे ठीक है इतना आपका प्रॉपर है अब आप देखो खाली सिंगल सिंगल एलिमेंट से सारे डुप्लीकेट्स हैंडल्ड है नाउ लेट्स कम हियर यहाँ आपके पास कितनी बार है फोर है दो बार फोर है तो एक्स्ट्रा कितने टू माइनस वन इज वन एक एलिमेंट आपके पास एक्स्ट्रा है उसे आप मूव में एड कर दो इस वन को यहाँ से सब कर दो इस वन को आगे भेज दो डन तो हर बार हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा को अपने मूव में ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा को नेक्स्ट एलिमेंट में भेज रहे हैं ठीक है एंड एक्स्ट्रा को करेंट एलिमेंट से माइनस माइनस कर रहे हैं ये तीन प्रोसेस आपको करने हैं एक्स्ट्रा कैलकुलेट कैसे होगा लेस देन इक्वल टू वन है तो एक्स्ट्रा होगा ही नहीं स्किप कर दो एलिमेंट को वन से बड़ी वैल्यू है तो आप कहोगे गए करेंट वैल्यू करेंट वैल्यू माइनस वन ये आपके क्या है एक्स्ट्रा हैं ठीक है सो डन नेक्स्ट चलते हैं अब यहाँ पे वैल्यू क्या है वन वन इज लेस देन इक्वल टू वन स्किप इट यहाँ पे क्या है जीरो जीरो इज लेस देन इक्वल टू वन स्किप इट यहाँ पे क्या है वन वन इज लेस देन इक्वल टू वन स्किप इट ठीक है आगे एंड बाय द वे मैंने यहाँ पे पूरा बनाया नहीं बट ये कितनी साइज का बनेगा मैंने आपको बताया सिक्स प्लस सेवन इज थर्टीन तो थर्टीन साइज का एरे बनेगा यहाँ इंडेक्स एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व तक आएंगे ये थर्टीन साइज का एरे बनेगा ठीक है and सारी वैल्यूज आपकी जीरो होंगी ठीक है सो आई गेस अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर है हमारा आंसर भी आ गया नाउ वट विल बी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच सबसे पहले आप मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करोगे बिग ऑफ एन आइट्रेशन ठीक है इस पूरे एरे को आइट्रेट किया मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड किया उसके बाद आपने क्या किया काउंट एरे बिल्ड किया अगेन आपने इन सारे एलिमेंट्स को आइट्रेट किया और फ्रीक्वेंसी प्लस वन की तो बिग ऑफ एन ठीक है उसके बाद हमने क्या किया इस काउंट एरे को आइट्रेट किया काउंट एरे की साइज क्या है एन प्लस एम वेर एम इज दी मैक्सिमम एलिमेंट जो हमें यहाँ पे मिला था तो इतना हाइट्रेशन आपने और किया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ठीक है ना वट विल बी दी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन एन प्लस एम इसी साइज का आपने काउंट एरे बनाया सो एन प्लस एम ओके सो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेट नाउ लेट्स ट्राई टू कोड दिस अप सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे ठीक है पब्लिक इन फाइंड मैक्स ओके यहाँ पास कर देते हैं इन टनम्ब्स एरे And then we will say uh, int max is equal to integer dot min underscore value. Okay? And then we can iterate and find the max. Int i is equal to zero. i is less than nums dot length and then i plus plus. OK. And we can say max is equal to math dot maximum of nums of i, comma, max. ठीक है तो ये आपको मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा एंड नाउ यू कैन रिटर्न दिस मैक्सिमम ठीक है सो वील फाइंड द साइज आई कैन से इंट मैक्स एलिमेंट इज इक्वल टू फाइंड मैक्स एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे नम एरे को ठीक है नाउ वी कैन से काउंट एरे निकाल लेते हैं तो काउंट एरे से पहले करंट एरे की साइज क्या है इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ ओके एंड देन वी कैन से इंट काउंट एरे is equal to new and max element plus n now let's find the frequency of elements so let's iterate our array int num colon nums we get and we can say count array of प्लस प्लस ठीक है हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दी अब मुझे पता है कौन सा एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है अपना लीनियर आइट्रेशन करना है और मूव्स फाइंड करने तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज फाइंड मिनिमम मूव ठीक है सो आई इक्वल टू जीरो आई इज लेस दे प्लस प्लस ओके सबसे पहले मैंने आपको स्किपिंग कंडीशन बताई थी कि अगर काउंट एरे का कोई भी एलिमेंट ठीक है लेस देन इक्वल टू है से तो यू कैन स्किप स्किप इट मतलब कंटिन्यू यूज करो ओके नाउ लेट्स फाइंड दी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ठीक है तो एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या मैंने आपको बताया था करंट वैल्यू माइनस वन सो काउंट एरे ठीक है ऑफ आई माइनस वन ये आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं तो इतने आपको मूव करने पड़ेंगे तो वी नीड टू मेक अ वेरिएबल मूव ठीक है है एंड इज इक्वल इक्वल टू वी कैन से प्लस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जितने भी आपने उसे मूव में ऐड कर दिया फिर क्या करना है इस एक्स्ट्रा को नेक्स्ट एलिमेंट में ट्रांसफर करना है तो वी कैन से काउंट एरे ऑफ i प्लस वन ठीक है इसमें हम क्या करेंगे प्लस इक्वल कर देंगे एक्स्ट्रा ठीक है एक्स्ट्रा को हमने ऐड कर दिया नेक्स्ट एलिमेंट में और करंट एलिमेंट को वन बना देंगे या करंट एलिमेंट में से एक्स्ट्रा माइनस कर देंगे दोनों सेम होगा अगर आप माइनस इक्वल एक्स्ट्रा करोगे या इसे वन बना दोगे तो सेम चीज़ है बिकॉज हम कह रहे हैं कि एक एलिमेंट तो रखो ही एक्स्ट्रा हमने क्या किया है करेंट मतलब एक एलिमेंट तो रखो ही बचे हुए मुझे दे दो ठीक so है सो ये लॉजिक है एक्स्ट्रा आपने फाइंड किया मूवस में आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उतने एक्स्ट्रा को आपने नेक्स्ट एलिमेंट uh, में भेज दिया और करंट वैल्यू को वन कर दिया दिस इज जस्ट फॉर सिंकिंग ठीक है आप चाहो तो इसे कमेंट कर देना आपका आंसर फिर भी आएगा बिकॉज अब आगे की वैल्यूज डिपेंडेंट नहीं है इस लॉजिक पे ठीक है सो so, इस फॉर लूप के बाद वी कैन डायरेक्टली से रिटर्न दी टोटल नंबर ऑफ मूव्स रिटर्न मूव्स ठीक है ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व अब चलो इसे रन कराते हैं सो होपफुली दिस विल वर्क एंड इट डेड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट ग्रेट 94% फास्ट ठीक है So सुबह यार ये था आज की वीडियो में आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी और मुझे लग रहा है काउंट टेरे से इन लोगों को ज़्यादा ही प्यार हो गया आई थिंक ये चौथी या पाँचवी वीडियो है काउंट टेरे पे सिर्फ काउंट टेरे पे काउंटिंग शॉर्ट पे।, पे तो आपको काउंट टेरे अगर पढ़ना है तो मैंने पिछले आप पिछले पाँच दिन के डेली चैलेंज देख सकते हो उसमें सिमिलर प्रॉब्लम्स है ठीक है थोड़े थोड़े ट्विक्स हैं बट हर किसी में जो काउंट टेरे है वही यूज़ हो रहा है ठीक है सो बस ये था आज की वीडियो में मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर